सो हे गाइस, अगर आप अपने पुराने मोबाइल को चलाते चलाते थक चुके हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने मोबाइल को अच्छे दामों में अपने मोबाइल से कैसे सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सिंपल ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऐप्स है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है तीर वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आपको फिर से यहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपनी लोकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, और इसको आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जाकर के प्रोफाइल में इसको लॉगिन कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना नंबर फिल कर दिया है, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर जीमेल आईडी फिल कर देनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपल वो फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक ओटीपी को फिल कर दिया है। ओटीपी फिल होने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, होम वाले ऑप्शन पर, और आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेल फ़ोन, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आप जो घड़ी भी सेल कर सकते हैं, लैपटॉप भी सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं सेल करने के। आपको सिंपल सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जिस भी कंपनी का जो है मोबाइल है, आपको उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरा MI कंपनी का है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपका Redmi 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, जिस भी कैटेगरी का है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल जिस भी मॉडल का है, यहाँ पर 8A है, 8 है या 8 डुअल है, तो सिंपल आपको उसी पर क्लिक कर देना है। मेरा 8 है, तो मैंने सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर रैम चूज़ करना है। मेरा 3/32 है, तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पुराने मोबाइल का जो प्राइस है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो पुराने मोबाइल का जो प्राइस है यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो मोबाइल है 4460 रुपये में जो है सेल हो रहा है। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप इसको सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये प्रोसेस किया था, तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को आसानी से सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो फ़ोन है वो आसानी से सेल हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।